इस वीडियो अपडेट में आज हम बात करेंगे, अगर आप मार्च में बिहार से झारखंड या फिर झारखंड से बिहार आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी नई ट्रेन रेलवे शुरू की है। आइए आज इस वीडियो अपडेट में सभी ट्रेनों के लिस्ट पर हम बात करेंगे। न केवल लिस्ट पर बात करेंगे बल्कि इनके टाइम टेबल क्या रहेंगे और स्टॉपेज क्या रहेगी, इसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन कराने का निर्णय लिया है। इससे बिहार से झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी और ऐसे में अगर आप बिहार से झारखंड या फिर झारखंड से बिहार आना चाहते हैं तो आपके लिए इन चारों ट्रेनों का परिचालन का सुविधा देखने को मिलेगा। धनबाद होकर सिकंदराबाद से रक्सौल के बीच 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जबकि गोमुह होकर पटना और दुर्ग के बीच 2 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। सिकंदराबाद से यह ट्रेन 14 मार्च की रात में 11:35 पर स्पेशल ट्रेन के रूप में रवाना की जाएगी और यह ट्रेन 16 मार्च की सुबह 3:45 पर धनबाद और शाम 4:50 पर रक्सौल पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 17 मार्च को सुबह 3:25 पर रक्सौल से रवाना किया जाएगा और यह ट्रेन शाम 4:15 पर धनबाद को आएगी। यहां से यह ट्रेन फिर सिकंदराबाद के लिए रवाना की जाएगी और पूर्व मध्य रेलवे ने होली के बाद इस ट्रेन को एक ट्रिप चलाने की मांग की है, हालांकि अभी इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरी ट्रेन दुर्ग से पटना के बीच चलेगी। यह ट्रेन 16 मार्च को दुर्ग से शाम 3 बजे खुलेगी। ट्रेन नंबर 08793 के साथ आप इस ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं और यह ट्रेन रायपुर राउरकेला रांची होते हुए अगले दिन सुबह 3:45 के आसपास बोकारो पहुंचेगी। फिर यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन गोमो रेलवे स्टेशन को आएगी। इसके बाद यह ट्रेन वापसी दिशा में ट्रेन नंबर 08794 के साथ पटना से दुर्ग के बीच 19 मार्च को पटना से रात 9:32 पर प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन अगले दिन शाम 7:10 पर रायपुर पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार अब बात करते हैं आखिरी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। दुर्ग से पटना के बीच आखिरी ट्रेन 17 मार्च को चलाई जाएगी। दुर्ग से यह ट्रेन 8:50 पर चलेगी और ट्रेन नंबर 08795 के साथ आप इस ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। यह ट्रेन 11:15 पर रात में गोमो पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 4:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी दिशा में 08796 के साथ पटना से दुर्ग के बीच होली स्पेशल ट्रेन के रूप में यह ट्रेन 19 मार्च को पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज देखने को मिलेगा। बिहार से झारखंड होते हुए 4 नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने से अब लोकल यात्रियों को सुविधा होगी, साथ ही इस रूट के यात्रियों को तमाम जगह जाने के लिए एक बेहतर ट्रेन और विकल्प भी मिल पाएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट पाने के लिए।